हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ सूजी का केक। उसके लिए मैंने एक कप सूजी लिया, मैंने इस कप का मेजरमेंट लिया और ये मैंने हाफ कप घी लिया है। आप इसकी जगह ऑयल भी ले सकते हो। और ये मैंने एक कप दही लिया और ये मैंने चीनी लिया, थोड़ी सी कम है ये सूजी से। अब सूजी सूजी और चीनी को मैं अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ। थोड़ी सी मोटी सूजी थी इसलिए मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ। सूजी को मैंने अच्छे से फाइन सा बन गया पाउडर। अब मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ दही। इसको मैं अच्छे से फेंट लेती हूँ। अब मैं इसमें घी डाल लेती हूँ। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लिए। हमारा घी अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें सूजी और चीनी वाला पेस्ट डाल लेती हूँ। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हमें इसे एक दो मिनट तक ऐसे ही चलाते रहना ताकि कोई भी लम्स ना रहे और चीनी भी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें डाल देती हूँ अपना इलायची का पाउडर। ये मैंने थोड़ा सा पानी के अंदर मिक्स कर लिया था। अब मैं 10-15 मिनट के लिए इसे रख दूंगी ऐसे ही ताकि अच्छे से सूजी अब्सॉर्ब हो जाए। अब मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया इसे ढक के। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी लगा लेती हूँ अच्छे से। हमें साइड में भी अच्छे से लगाना और मैं इसे माइक्रोवेव में बनाऊंगी। भी हमारा अच्छे से रेडी हो गया। अब मैं इसको डाल लेती हूँ। मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं डाला है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो मैं ये भगवान जी के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला। आप इसके अंदर डाल सकते हो, इनू भी डाल सकते हो, आप इसके अंदर बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर डाल सकते हो। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कैसा बनता है। आप इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं। अब मैं इसे माइक्रोवेव में रख दूंगी 180 डिग्री पर 25 मिनट्स के लिए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसा बना है। और अभी 7 मिनट लेफ्ट है और ये ऑलमोस्ट हमारा बनने ही वाला है। ये देखिए मेरा बन के बिल्कुल तैयार है, कितना फ्लिपी फ्लिपी बना है। इसको निकाल लेते हैं। और ये मेरा बन के तैयार हो गया, कितना सॉफ्ट बना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।
हैप्पी जन्माष्टमी।